नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। तो आज हम लोग आपके सामने डायरेक्ट इसलिए आए हैं बात करने के लिए क्योंकि हमारे साथ सबसे स्पेशल और मोस्ट अवेटेड चीज़ हो गई है और हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करें। थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है वो चीज़। तो फाइनली आफ्टर 2.5 ईयर्स हमारा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है और हमारी ये 2.5 ईयर्स ढाई साल की जर्नी आप सबके लिए प्रस्तुत है एडिटर साहब की आवाज़ में। कहानी शुरू होती है 18 सितंबर 2021 को, जब अपने ही बर्थडे के एक दिन पहले एक व्लॉगर का जन्म हो जाता है। वैसे तो ट्राई कई बार किया कि वीडियो बनाएंगे, व्लॉगर बन जाएंगे, लेकिन कहानी शुरू थोड़ी लेट हुई। बहुत शिकायत है इन्हें मुझसे, पहले मर रहे थे मेरे से शादी करने के लिए, लेकिन अब परेशान हो चुके हैं। चैनल बना, वीडियो अपलोड हुई, बस फिर कभी घूमना, कभी फूड व्लॉगर बन जाना और शादी के व्लॉगों का तो क्या ही कहना। चैनल में चार चांद लगे कृतिका अवस्थी के आने से, साथ में नाना नानी की यादें भी जुड़ गई। थोड़ी दुविधा थी अब व्लॉग कैसे बनेंगे क्योंकि प्रेगनेंसी शुरू हो गई थी। अरे पहाड़ी में बोलूं तो नजर लग जाली कबेर हमूल व्लॉग कम डालिन। हल्के हल्के कहानी आगे बढ़ी और हमारे भगीरथ की एंट्री हो गई, खुशी के आंसू भी निकल गए। डेली थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना और फिर हफ्ते में व्लॉग अपलोड होने लगे। भगीरथ छोटा था और हमें घर में व्लॉग बनाने का एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम था, बस कहानी आगे चल ही रही थी। अब कोई चमत्कार ही था जो चैनल को वेंटिलेटर से हटा के बचा सकता था। और फिर हमारे चैनल में पवन पहाड़ी की एंट्री हुई। अरे क्या बोलूं, जहां अपने वीडियो शेयर करने में पीछे रह जाते हैं वहां पवन पहाड़ी ने ऐसा प्यार बरसा दिया और आप सबने इतना प्यार दिया जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। 2.5 साल से जो गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही थी उसने क्या स्पीड पकड़ी, देखते ही देखते वो हो गया जिसका हर एक यूट्यूबर सपना देखता है। चैनल मोनेटाइज हो गया और आज ये एक्सपीरियंस बताने का सौभाग्य भी मिल गया। अभी तक के सफर में बस यही समझ आया कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले ना कभी कुछ मिला है और ना कभी कुछ मिलेगा। तो स्टोरी तो आप सबने सुन ही ली है, जितनी स्मूथ सुनने में लग रही थी उतनी स्मूथ थी नहीं। काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म, अप्स एंड डाउन्स आए थे, जैसे कि कई जगहों पे आपको व्लॉग शूट नहीं करने दिया जाता है, कैमरा हटाओ, करो ये करो वो करो, क्योंकि व्लॉगर्स इतने सारे हैं कि उनको व्लॉगर्स की कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन आपको जो है कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका जो पैशन है उसमें जो है आपको मूव ऑन करते रहना पड़ता है और उस मूव ऑन करने का नतीजा है कि हमें फाइनली जो हमारा चैनल है मोनेटाइज हो गया और ये जो उसका वेरिफिकेशन है गूगल एडसेंस पिन वो आ चुका है। मतलब ये एक तरह से चेक पॉइंट है कि आगे जो है आपकी जब भी एक सर्टेन अमाउंट है वो बन जाएगी तो आप तक पेमेंट पहुंचेगी। और जैसे उतार चढ़ाव हमारी इस 2.5 साल की जर्नी में आए, वैसे ही उतार चढ़ाव इसकी वीडियो बनाने में भी आए। हमने सोचा कि जाएंगे उधर, हम जा रहे हैं रामनगर, जा रहे हैं बढ़िया से सबसे इसको अनबॉक्स कराएंगे, आप तक बड़ा ब्यूटीफुल वे में पहुंचाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उसमें भी उतार चढ़ाव और हर्डल आ गए, लेकिन उससे क्या नतीजा आया कि हमने एक अलग तरीके से स्टोरी बनाकर इसको आप तक प्रेजेंट किया है। तो एडिटर साहब पूरी प्लानिंग के साथ मुझे सरप्राइज करने के लिए एडसेंस का पर्चा लेकर आए। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और बार बार कंफर्म कर रही थी कि क्या सच में ये आ गया। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए मैंने भट्टजी को भी कंग्रेचुलेट करा क्योंकि वो भी हमारी इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। भट्टजी ने फिर एडसेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा बताया। अब एडिटर साहब क्यों पीछे रहते, वो भी अपनी कहानी बताने लगे एडसेंस को लेकर। साथ के दोस्तों थोड़ा हैरान भी थे क्योंकि उनको इसका ज्यादा आइडिया था नहीं। फिर उनको एक्सप्लेन करा तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि वो भी इस अनबॉक्सिंग का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा ग्रहण लगा उस दिन कि जो हमने एक एक करके एडसेंस के पर्चे को फाड़ा खोलने के लिए, वो वीडियो भी नहीं बनी। चलो जो भी है, लेकिन हम सब ने ये खुशी साथ में शेयर की तो 100 गुना और बढ़ गई। तो आपने जैसा कि देख ही लिया कि हमने वहाँ जाके कितनी मेहनत करी और कितना एडिटर साहब ने मुझे सरप्राइज करने की कोशिश करी कि ऐसे बनाएंगे वीडियो, लेकिन वो नहीं बन पाई। और अब ओवर टू एडिटर साहब। तो जो ये वाली वीडियो बनाई इसके पीछे मैं एक हफ्ते से लगा हुआ था और इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो वॉइस सही नहीं हुई, तो हमें फिर ये करना पड़ा। और जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो पीछे से ट्रैफिक चल रहा है, वो नॉर्मल ब्लॉगर के साथ होता ही है। तो बस यही रहा, मैं अपनी ड्यूटी में आ गया और मैं कैमरे के पीछे हूँ इस बार। इस जर्नी में कुछ लोग हमारे साथ बहुत पहले से थे, कुछ अभी जुड़े हैं, कुछ आगे जुड़ेंगे, तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरह हमें प्यार देते रहिए
और जिस तरह हमारी वीडियो में बार बार जो है ट्रैफिक की साउंड आ रही है, हॉर्न की साउंड आ रही है, वैसे ही अपने व्यूज़ भी हमारी वीडियोज़ को बार बार देखिए। और अगर आपने हमारी जर्नी नहीं देखी है तो आप जर्नी वाला जो है हमने यहाँ आई लिंक पे डाल दिया है, एक साल की जो जर्नी थी वो जाके भी देखिए, और भी पुराने वीडियोस में व्यूज़ बढ़ाइए ताकि हम आपको जल्दी बताएं कि पेमेंट भी आ चुकी है और वो करारे करारे नोट आपको भी दिखाएं। मैं अपना काम कर रहा था, मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ करके बिल्कुल वीडियो बनाया, क्योंकि क्या है कि वीडियो बन नहीं रही थी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जोशी स्टोरीज। बाय बाय।